मैं मोदी जी पर एक कविता सुनाने जा रहा हूं। मैंने आज तक परोपकार में कभी कविता रिपीट पुरानी कविता कभी नहीं सुनाई। जब भी मैं आया मैं नई कविता लेके आया, आज भी नई कविता लेके आया हूं। और पुरोहित जी, आप मुझे पिछले 25 सालों से सुन रहे हैं, मैं आज भी मानता हूं और आज भी यह विश्वास व्यक्त करता हूं कि कविताएं कभी भी सरकारों का समर्थन नहीं होती। जिस दिन कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी उस दिन या तो कविताएं मर जाएंगी या सरकार गिर जाएंगी। मैं आदरणीय मोदी जी पर कविता सुना रहा हूं, आप आश्चर्य करेंगे, मैंने एक मुश्किल काम किया है। एक शब्द उनका विरोध नहीं है और एक शब्द उनकी प्रशंसा नहीं है, और कविता में हरिओम पवार जिंदा है, हरिओम पवार का तेवर जिंदा है, जो आप मुझे सुनते रहे यहां पर। मन से सुनिए, हाथ खोल के बैठिए, अच्छा लगे तो समर्थन कीजिए। परोपकार का कवि सम्मेलन एक ऐतिहासिक घटना है बंबई के अंदर, जनता की पुकार भी परोपकार भी, ये ऐसे महाउत्सव हैं जिनसे हम मराठी भाषा के अंचल में बैठे हुए हिंदी के लोग, मराठी के अंचल में बैठे हुए इतना अच्छा हिंदी के समारोह करने वाले लोग, उत्तर भारत में जहाँ की मातृभाषा हिंदी है हम इतने अच्छे समारोह नहीं कर पाते, इसलिए आपको बधाई देना चाहता हूँ, परोपकार को बधाई देना चाहता हूँ। मैं गाथा वाचन करता हूँ सिंहासन परिवर्तन की, अब बैठ जाइए सब, बस जहां भी जिसको जगह मिले वहीं बैठ जाएं। मैं गाथा वाचन करता हूँ सिंहासन परिवर्तन की, अच्छे दिन आने वाले हैं नारों के आकर्षण की, सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, सत्ता का आकर्षण मेरी। पहली बार बॉम्बे में कविता पढ़ रहा हूं और पहली बार इस कविता की मुंह दिखाई, समझिए आपका प्यार मांगता हूं। मैं सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, आ गया हाँ शैलेश, ये हमने घोषणा कर दी थी कि मेरी कविता शुरू और शैलेश का आना शुरू, लेकिन ये तालियां मेरी मेरे खाते में, शैलेश का स्वागत कीजिए और तालियां मेरे खाते में जोड़िए। जितना कष्ट उसने बाहर खड़ा होके सहा वो यहां के भी सह सकता था। आ जा हमारा लाडला, वो तो जानता हूं, उसने यहाँ 5 आदमी बिठा रखे थे ये बताने के लिए कि हरिओम पवार का नंबर कब आ रहा है। अब 10 बजे तक का समय है, 10 बजे तक आज मैं पढ़ूंगा। ठीक है, हंसी में कह रहा हूं, मुझे इतनी हंसी आती है बस, सत्तन जैसी नहीं आती। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, जुड़ना बस, गंभीर होना, मैं गंभीर करना चाहता हूँ। नहीं चुने मैंने कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शीर्षक पढ़ता हूँ। और आपको लगे कि मेरा धर्म अभी भी जिंदा है तो पूरे सदन का मन मांगता हूं समर्थन करें। मैं कविता किस विषय में पढ़ने जा रहा हूं सुनना। बगडंडी से लाल किले तक जाता हूं, झुग्गी झोंपड़ियों के आंसू गाता हूं, लेकिन दरबारों में कवि का शीश नहीं झुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं। कविता शुरू करता हूं। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है, पुरोहित जी आज आप पहली बार मुझे ज्यादा प्यार करेंगे। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का। अभी तालियां कम है साहब, अगली दो पंक्तियां पढ़ रहा हूं, बताना कि तालियां कितनी बजती है मेरे लिए। भारत की चौखट पर शीश झुकाया था जिस दिन तुमने संसद, जिस दिन तुमने संसद की, सलूट करता हूं साहब आपको। एक घूम रहे हैं अभी पीछे, किन की तलाश में हो वो नहीं आई आज, आदरणीय बैठ जाओ तातश्री। तुमने उस दिन संस्कार का सूरज नया उगाया था, जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर सी झुकाया था, बहुत बधाई देता हूं मैं परिवर्तन के नायक को। ध्यान रखिए, एक शब्द प्रशंसा नहीं करूंगा, एक शब्द खिलाफ नहीं बोलूंगा, फिर भी मैं जिंदा रहूंगा। 4 पंक्तियां सुनना, मेरा रिश्ता क्या है। बहुत बधाई देता हूं मैं परिवर्तन के नायक को, लेकिन कैसे मर जाने दूंगा आंसू के गायक को। आप
जे के जन नायक हो मैं पीड़ा का गायक हूँ, आप राजपथ के नायक हो मैं जनपथ का नायक हूँ, आप राजपथ के नायक हो मैं जनपथ का नायक हूँ, आप राजपथ के नायक हो मैं जनपथ का नायक हूँ। निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे हाथों में, निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान, बस जोश दिलाए रखना, निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे हाथों में, लोकतंत्र की मां संसद का मान तुम्हारे हाथों में, संविधान के पालन का अरमान तुम्हारे हाथों में, तिलक गोखले गांधी का वरदान तुम्हारे हाथों में, अमर तिरंगे की सौंपी है शान तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे, सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में। जनादेश में आज आपकी सबसे ऊंची थाती है, जनादेश में आज आपकी सबसे ऊंची थाती है, दिया तुम्हारा तेल तुम्हारा और तुम्हारी बाती है, दिया तुम्हारा तेल तुम्हारा और तुम्हारी बाती है। आज आपके कर कमलों में टूटी हुई कमान नहीं, आज आपके कर कमलों में टूटी हुई कमान नहीं, और पगों के नीचे कोई गिरता हुआ मचान नहीं, आज आपके ऊपर नभ है नीचे ठोस धरातल है, और आपकी सौगंधों में गंगा मैया का जल है, और आपकी सौगंधों में गंगा मैया का। क्या बात है भैया, वाह वाह।